जी जनाब एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साहब, जिस तरह बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को टू बी कैटेगरी में आते हैं उनको जो है जिस तरह इस रिजर्वेशन से महरूम किया गया है, ये कहाँ तक ठीक है? क्या वापस इसे लाया जा सकता है? ये क्या है सर? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपको ये चाहिए कि रिजर्वेशन क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन किस लिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देने का उस वक्त उस जमाने में फैसला किया गया, ये चीज हमें सबसे पहले मालूम करना है। देखो, रिजर्वेशन एक, मैं एक मिसाल आपको, एक रेस की एक मिसाल देकर मैं बताना चाहता हूं। 100 मीटर्स की रेस में सारे जो उसके अंदर जो कॉम्पिटेटर्स होते हैं, स्टार्ट लाइन से जो है रेस स्टार्ट होती है और जो फिनिश लाइन में जाकर वो खत्म होती है। अब रिजर्वेशन के अंदर, रिजर्वेशन जो है, ये जो रेस कैसी हो को है सो बोले तो, अब रिजर्वेशन इसलिए, ये रिजर्वेशन देखो रही सो, रेस में जो है जो कॉम्पिटेटर्स हैं, आधे कॉम्पिटेटर्स जो ऑलरेडी फॉरवर्ड ही रेस के ऑलरेडी 50 मीटर्स पे जाकर खड़कर उन्हों, और जो स्टार्ट लाइन में ही समझो ये मुसलमान ही जो 50 मीटर्स में जाकर खड़ी, अदर जो जो क्लासेस जो तरक्की कर कोई उन और उनके और हमारे बीच में की एक दौड़ है। ये फिनिश लाइन को जैसे ही रेस स्टार्ट होगी, जैसे ही रेस स्टार्ट होते ही जो आगे जाकर रहता है उन्हें फिनिश लाइन को बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जो आदमी पीछे है, जो स्टार्ट लाइन में है, वो हम मुसलमान हैं। देखो, रिजर्वेशन 4% का जो रिजर्वेशन है, ये मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के, ये रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर नहीं दिया गया है, मुसलमान के जात के ऊपर नहीं, आई मीन जो हमारी जो हमें जो जिस चीज से हमें पहचाने जाती उससे नहीं, अब रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर नहीं, हमें जो रिजर्वेशन मिला था हमारे इकोनॉमिकल, हमारी माजी और हमारा एजुकेशनल और पॉलिटिकल और सोशियो, इन चीजों के ऊपर जो है हमें रिजर्वेशन। तो रिसेंटली ये पिछले 100 साल का मसला है, ये 1912 में, 1912 में जब हमारा जो मुसलमानों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जब जायजा लिया गया, तो वहां से लेकर मुल्लर्स जो कमीशन से लेकर रिसेंटली जो डॉक्टर जस्टिस राजेंद्र साचार कमीशन रिपोर्ट में जो 2014 से पहले के, ये सब जो UPA 1 और UPA 2 में जिस वक्त कांग्रेस सेंट्रल में थी, उस वक्त हमारी कंडीशन जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल और डीप रूरल, इनकी क्या हालत है, इनकी क्या कंडीशन है, इनके पास पूरा रिपोर्ट ऑलरेडी है। इस ग्राउंड के ऊपर जो है ये 4% हमें ये रिजर्वेशन जो है हमें मिला था। और हमारे अंदर देखो मुसलमान, हमें हमें जहां तक मालूम है सुन्नी शिया ये दो ही मालूम है। इसके अंदर मुसलमानों के अंदर चिकलगर, नालबंद, फूलबंद, दरवेश, ये भी एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इनके पेशे से, इनका पेशा जो है, इनके पेशा जो नालबंद है, ये एक पेशा है। ये नालबंद क्या है हम लोगों को बहुत कम मालूम है, क्योंकि अभी क्या है हमारी, अब हाल ही ऐसी एक कंडीशन है कि हमें, हम लोगों से हमारा 4% का रिजर्वेशन छीन लिया गया है। आज भी मैं समझता हूँ एक 80% मुसलमानों को जो है इसके बारे में मालूम ही नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और हमें ऐसी एक कंडीशन में जी रहे हैं, हम लोग जानना भी नहीं चाहते कि आज क्या चल रहा है हमारे साथ, किस किस्म की नाइंसाफी हो रही है। तो अभी क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये चीजों के बारे में हम लोग आज यहाँ पर जुड़कर एक एक ये क्या है, एक जस्ट एक मशवरा है ये। अब जो इनो हमारा जो रिजर्वेशन, जो 4% का रिजर्वेशन जो हमारा, हमारे से जो छीन लिया गया है, उसके बारे में जो हमारे जो रियासती स्टेज में जो हमारे लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स होंगे और हमारे वलमा होंगे, इनो जो है हमें बड़े अफसोस से बताना पड़ता है कि ये आज भी एक प्लेटफॉर्म पर
आज तक नहीं आए, जबकि हम लोगों को गैरों को देखकर सीखना पड़ेगा कि हमारे साथ में जो हैं हम लोग, आप लोग कई जयंतियों में देखा होगा, रिसेंटली कनकादासा जयंती में आप लोग देखे होंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है ये कम्युनिटी को देखकर। कनकादासा जयंती जब मैसूर के अंदर हमारे कला मंदिरा के अंदर जब उसका प्रोग्राम हुआ, उस वक्त सारे पार्टीज के, ऑल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी, जो जो भी इनके लीडर्स थे, जो कुरबा कम्युनिटी से जो इनो इनका कनेक्शन है, इनो सब अपने पार्टियों को भूलकर इस चीज को जो है उन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए। लेकिन अफसोस से हमें बताना पड़ रहा है कि यहां पर जब हमारा इतना बड़ा ऐसा एक मसला आया, तो सिर्फ क्या कांग्रेस के लीडर ही मुसलमानों के ये हैं क्या? तो ये वलमा की एक जिम्मेदारी है कि ऑल पार्टी मीटिंग को कॉल कर सारे वलमा को, एजुकेशनिस्ट को, खुसूस इसके अंदर एजुकेशनिस्ट जो इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं, ये चीज को इसके बारे में गौर फिक्र कर फौरन ये चीज जो है अब क्या नेक्स्ट क्या करना है। देखो हिजाब के मसले में सही किस्म का मसला ना होने पर हमें कोर्ट को जाने के बाद भी हमें साफ इसमें ना हो, ये हमारी राय है। केएमएसडब्ल्यूटी का एक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे वास्ते जो रिजर्वेशन में जो चीजें हैं उसे जो है हम लोगों को, हमारे जो जिम्मेदार हैं, किसी भी सियासी पार्टी के हो, किसी भी हमारे इसके वलमा हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, किसी भी मसलक के वलमा हो, इन सबको भी क्या है रियासी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर सही किस्म का मशवरा लेकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे एक्सपर्ट को कंसल्ट कर जो है प्रॉपर इसके बारे में एक प्लान चेकआउट करें। और जो है अभी मुझे क्या मालूम हुआ, गेजेट नोटिफिकेशन अभी तक ये होकर नहीं है, तो इंशाल्लाह इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कशन कर अगर हम लोगों को ऐसा वक्त आया कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़े, तो इंशाल्लाह हम सब हमारा जान माल वक्त लगाकर इंशाल्लाह हमें वापस हमारा ये 4% हम लोगों को चाहिए था कि जब ये पंचमसाली और वकलीगा कम्युनिटीज और दूसरे कम्युनिटीज जब उन्होंने जब एहतजाज कर रहे थे उनका हक मांगने के लिए, तब हम लोगों को भी चाहिए था कि हम लोग भी 4% से हम लोगों को भी 8% की हमें डिमांड करना था, ये हम लोग हमने नहीं किए, तो आज ये चीज हमें देखना पड़ रहा है। तो हमें हमारे इन थोड़े एक अभी जो रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर जो हम लोगों की जो फिकर है, इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो मिल्लत, हमारी जो कौम है, ये सो रही है। तो हमारी आजीजाना गुजारिश है, तो आज नहीं तो कभी नहीं, तो जाग जाओ इंशाल्लाह हम सब मिलकर हम लोग आज कॉल देते हैं, हम लोग सबको इन्वाइट करते हैं, ऑल पार्टीज को, बीजेपी के भी अगर मुसलमान है वो भी आए हमारे साथ, जेडीएस के भी, कांग्रेस के भी, सब हम लोग इंशाल्लाह मिलकर जो है ये चीज को हम इंशाल्लाह वापस हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।